नहीं आता हूं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अपनों को ये चाहिए जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ आया हूं। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी तपस्वी इस धरती को बाखूबी, इस इलाके को बाखूबी देखा हुआ है, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं और परवरदिगार से प्रार्थना करता हूं, मैं कन्हैया से प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे कन्हैया अगर तू वाकई दुनिया में विराजमान है तो इसको पूरा कराना, और मेरे प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री के दिल में मेरी इस जनता के लिए, इस हरियाणा के लिए प्यार लगा देगा और वो इसको कर। मैं बहुत बार कह चुका कि भाई मेरा मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन बाई दी गई ये मेरा इलाका दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, और मेरे पूर्वजों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जब भी कोई नया काम करो, कोई अच्छा काम करो, तो दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व के लिए जाना, पीछे के लिए कभी मत हट जाना। तो ये मेरा मेवात, मेरी ये मेवात की धरती ये पश्चिम दक्षिण में है, और यहां से जो हमारे एमपी साहब भी हैं और मंत्री भी हैं, वो भी शायद ये सोचते होंगे कि दूसरी दिल्ली गुड़गांव में होने वाली है 26 मार्च को, और उनका भी सोचना ठीक है कि ये भी चारों तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, और जो अगली चार है वो भी उसी में आती है, और उसके बाद अगर बाबर जाऊंगा तो वो भी उसी में आती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं मेरा आरक्षण लड़ना कोई मकसद नहीं, मैं इसके लिए जिंदा हूं, ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करवाने के लिए जिंदा हूं। मैं हरियाणा से कभी मांगा पत्रकार की अभियान जो एक बार हो जाए अरे कर्तव्य तो कर सकती है, लेकिन जब आज नहीं कर सकती है। मेरा ही एक भाई कहने लगा कि जनता जब तुम्हें लड़ाएगी तो तुम्हें भी लड़ना पड़ जाएगा, मैंने कहा है तुम मेरे को 40 साल से जानता है, मेरा बहुत अजीज है, अगर तू ही ऐसा सोचता है तो किसी के सोचने में क्या दिक्कत है। तुम्हारा ये करतार बढ़ाना, बड़े जुगंडों का बेटा, हम उम्र का भाई, बच्चों के लिए परवरदिगार से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि मेरे हरियाणा को ज्यादा कुछ ना कर सके, इतना तो बना दे कि जो मजबूरी से लोग दवाइयों से तरसते हैं, रोटी के लिए भी कई बार धाका हो जाता है, कई बार स्कूल में फीस के बगैर बच्चा वापस आ जाता है, तो मैं ये आपसे झुककर सलाम करता हूं, वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरा हरियाणा जिस चीज से भी वंचित है उसको वो पूरा करने का वादा कर चुके हैं मेरे से, क्योंकि वो खुद तो नहीं आते, लेकिन ये जो जन सदाब आज इसके लिए आया है ये उनकी मर्जी है, वो दिलवाना चाहते हैं, ये इस बात की गवाही है। कभी भी कोई भाई जो मेरे मेवात के बेटे हैं उनको एमएलए बनाऊंगा, अपने बेटा जिसको जन्म मैंने दिया, बेटे तो ये भी मेरे ही है, लेकिन जिसको जन्म दिया है उसको मेवात की
चार सीटों से कभी इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं एक कुर्बानी, बहुत कुर्बानी कर रहा हूं, बहुत दिल में दर्द है जब मेरी बेटियां कुछ पैसे के लिए बीमार हो जाती है, ना भाई से ना बाप से मांग सकती है। मैं उन बेटियों के लिए कुछ करना चाहता हूं, और वो ऐसा करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का नारा दिया है। आप जिस तरह से आज खड़े हुए हैं, एक दिन के खड़े होने से काम नहीं चलेगा, और इतनी जल्दी कोई इसको पूरा भी नहीं करेगा। मैं एक बात और कह रहा हूं कि अगर देश के लिए लड़ाइयां भगत सिंह ने शुरू की, आजादी कहां जाके मिली, तो मैं भगत सिंह नहीं, मैं चौधरी देवीलाल नहीं, मैं चौधरी चरण सिंह नहीं, लेकिन मैं उनको एक सोच का एक बच्चा हूं जो इसको कराना चाहता हूं। चरण सिंह तो नहीं, देवीलाल जी तो नहीं, पर मैं तुम्हारा सबके दिल में कर कर जिंदा रह जाना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी हरियाणा की स्थिति को हरियाणा से लगाव भी उनको बचा जा रहा है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये सारे काम पूरे होंगे, लेकिन होंगे तभी जब तुम सब करतार मिल जाओगे, करतार के साथी मिल जाओगे, और मेरे साथी बनो ना बनो, गरीबों के साथी बन जाओ, जो 70-65% गरीब है जिसको ये चाहिए। और अगर भाई कई भाई जो इधर उधर से चलने शुरू हो गए, जो पैदल नहीं चल सकते, तो मैं ट्राल मार दूंगा अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो। अरे आदमी उठे सामने बैठने वाला है भाई, देखो उधर सुनो, आपको भूख लग रही होगी, पैदल चढ़ना मुश्किल है, लेकिन